स्वागत है आपका रेडियो फूड जंक्शन में। आज हम बना रहे हैं मखाना मटर की शाही सब्जी। बहुत ही गजब की टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो वीडियो को देखिए पूरा और ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के बाद आप शाही पनीर, मटर पनीर सब भूल जाएंगे। ये इतनी गजब की टेस्टी बनती है सब्जी, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। जो इसे एक बार खा लेना बार बार बनाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हम लेंगे कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल, और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1-2 इलायची, 1-2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, और उसके बाद हम डाल देते हैं 3-4 प्याज को इस तरीके से टुकड़ों में काट करके। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे काट करके बिल्कुल इस तरीके से डाल दिया है ऑयल में। बस एक बार थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2-3 टमाटर को भी काट करके। मैंने ये देसी वाले टमाटर लिए हैं जो बिल्कुल लाल हैं पर फिर भी थोड़े से खट्टे होते हैं। तो डाल दिया 3 प्याज और 3 टमाटर, डाल दिया है इसमें 4-5 कली लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और सभी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम भून लेंगे और उसके बाद इसे ढक करके पका लेंगे पूरा गलने तक। बिल्कुल मीडियम आंच पर ढककर पकाएंगे तो ये अच्छे से गल जाएगा बिना पानी डाले हुए भी। तो प्याज टमाटर सभी चीज़ों को हम गलने तक पका लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं कटोरे में। इसे होने देंगे ठंडा और उसके बाद हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना लेंगे, पर गरम गरम ही नहीं पीसना है इसे, बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए और तब पीसना है। और तब तक करते हम इसकी आगे की तैयारी। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच घी, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं पर घी डालने से फ्लेवर थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। तो घी डाल करके उसमें हम मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर 1-2 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। इतना भून लेना है कि ये हाथ से दबाने पर टूटने लगे, क्रिस्पी हो जाए थोड़ा, तो वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है मखाने में। और जब हम इसे सब्जी में डालते हैं तो ये सब्जी की सारी ग्रेवी को भी सोख कर लेता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हो जाता है इस मखाने का, और मखाने का फ्लेवर भी जाता है सब्जी में, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सी सब्जी बनती है। तो कर लेते हैं हम मखाने को अच्छे से फ्राई, लगभग हो गए हैं, निकाल लेते हैं इसे प्लेट में और दिखा देती हूँ मैं इसे आपको हाथ से तोड़ करके कि बिल्कुल इसे इतना फ्राई कर लेना है कि जब हम इसे दबाएँ तो ये इस तरीके से टूट जाए। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके और 1 प्याज को बारीक से काट करके। उधर हमने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, आप 2 भी ले सकते हैं जितनी आप सब्जी बना रहे हो उस हिसाब से। तो 1 प्याज को इसमें डाल दिया हमने बारीक काट करके, और ले लिए सारे ये बेसिक मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, और पानी डाल करके इसका एक घोल बना लिया। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद डाल देते हैं ये मसाले का पेस्ट इसमें और इसे ढककर हम पका लेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब देखते हैं ढक्कन हटा करके, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे वो प्याज टमाटर का पेस्ट जिसे हमने ठंडा करके तब मिक्सी में पीस लिया था। गरम-गरम पीसने की बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा आप, नहीं तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो इसे बिल्कुल ठंडा करके ही पीसना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। टमाटर का पेस्ट डालते ही नमक डाल देने से टमाटर अच्छे से भुनता है और जल्दी भुनता है, तो डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढककर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब इस पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आने लगे, दिखने लगे, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये मटर के दाने, तो साथ के साथ ही मटर भी भुन जाएगी और मसाला भी भुन जाएगा, और दोनों चीज़ों को एक साथ हम मिक्स करके इसे ढक करके 4-5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, मीडियम स्लो फ्लेम पर, ताकि मटर और मसाले सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाए, पक जाए। तो बीच में एक बार मैंने ढक्कन खोल करके देखा तो अभी पूरा नहीं भुना था, अब दोबारा देखते हैं ढक्कन को हटा करके, तो ये लगभग अब भुन चुका है, ऑयल सारा सेपरेट होने लगा है मसाले से। हमें बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है, मटर भी गल चुके हैं और मसाला भी भुन चुका है अच्छे से। तो जब इतना भुन जाए मटर और मसाला सभी चीज़ें, तब हम इसमें डालते हैं और कुछ, डालेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब ये चीनी, क्योंकि हमने इसमें देसी वाले टमाटर यूज़ किए थे जो कि बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो ये थोड़ी सी चीनी उस खटास को बैलेंस कर देगी और सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आएगा, मीठी नहीं होगी सब्जी। डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और
थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और पका लेते हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ये फ्राई करके रखे हुए मखाने, डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाले का पाउडर, कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। मखाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ग्रेवी में डालने के बाद, इसे हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। मखाना डाल करके डाला है गरम मसाले का पाउडर, अब डालेंगे इसमें कुछ और, डाल देते हैं हम इसमें ये घर के दूध से निकली हुई मलाई, आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, ये घर के दूध से निकली हुई मलाई ही है। और मलाई डालने के बाद बस इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढक करके दम पर पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है मखाना डालने के बाद, नहीं तो ये गल जाएगी और सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी आपके। बस 1 मिनट के लिए हम इसे ढक कर थोड़ा सा पका लेंगे और इतनी आसानी से रेडी हो जाती है इतनी सही इतनी शानदार सी सब्ज़ी। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो लगे अच्छी तो प्लीज़ कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब रोज़ एक नई रेसिपी के लिए। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को बना करके देखिए, बहुत ही गज़ब की टेस्टी बहुत ही शाही सी सब्ज़ी बनती है। और रेडी है हमारी ये सब्ज़ी, कर देते हैं हम इसे एक बोल में सर्व। तो है ना इतना आसान, ये इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब सी सब्ज़ी बनाना, तो झटपट से आप भी बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक।